और ये कैलाशपति मिश्रा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित हम सब के नेता डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगल जी, हम सब के नेता सुशील कुमार मोदी जी, माननीय मंत्री राधामोहन सिंह जी, रविशंकर प्रसाद जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, भोला बाबू, अमरेंद्र बाबू, नंद किशोर जी, यहां पर आए हुए आदरणीय अश्विनी कुमार चौबे जी, राम कृपाल जी, हमारे पार्टी के सारे पदाधिकारीगण, भाइयों और बहनों, यहां पर जितने लोग मंच पर बैठे और जितने लोग मंच के नीचे बैठे, अगर सबसे कहा जाए हर व्यक्ति को लगता है कि मैं इससे ज्यादा नजदीक कैलाश जी के कोई नहीं। हर व्यक्ति की कुछ यादें हैं और मैं समझता हूं आज यहां पर जो कार्यकर्ता आए, चाहे वो मंचस्थ हो या सभाघर में हो, सबका कैलाश जी के साथ सानिध्य रहा है। मैं सुविधाधीन संचालक बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा हो, खासकर प्रोफेसर साहिबा जब संचालक कर रही हूं, कई बार वक्ता को भी ये सोचना पड़ता है कि मुझे क्या बोलना है। और यहां पर सुविधा जी का संचालन और बीच में भोला बाबू का भाषण, ये दो विषय इतने इस पूरे कार्यक्रम के लिए इतने महत्वपूर्ण है हमारे लिए। मैं तो ये समझ रहा था कि जब भोला बाबू बोल रहे थे उससे पहले काफी देर तक मैं उनसे बातचीत कर रहा था, और भोला बाबू के पास जो शब्दकोश है वो बिहार ही नहीं, कहीं मैं ये मत समझिए कि मैं भोला बाबू की प्रशंसा के लिए कह रहा हूं, लेकिन पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी अगर भोला बाबू खड़े हो जाए और आंख बंद करके अगर कुछ बोलना शुरू कर दें तो सोया हुआ आदमी भी जिसकी आंख बंद है उसकी खुल जाती है। हमारे नेताओं के जरिए मैं उससे अपने आप को संबद्ध करता हूं, लेकिन ये सही है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेरोही पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पहना। कैलाश जी उस चमन के दीदार थे, वो लोगों को बढ़ता हुआ देखकर खुश होते थे। आजकल को बढ़ता हुआ कोई नेता दिखे सब खुश हों ये संभव आसान नहीं। कैलाशपति मिश्रा जी का परिवार नहीं था, मैंने आपसे कहा यहां पर राधामोहन जी बैठे हैं, उनको लगता है वो सबसे ज्यादा नजदीक थे, हम सबको भी लगता है, रविशंकर जी को लगता है, सुशील जी को लगता है, और नंद किशोर जी को लगता है, यहां पर बैठी हुई पंक्ति के आगे और पीछे सबको लगता है। कई बार मुझे लगता है नहीं, मैं सबसे ज्यादा नहीं, मैंने कहा उनको भी लगता, लेकिन मैं उस पीढ़ी में हूं जिस पीढ़ी के जिस क्षेत्र में पूर्णिया कमिश्नर जिला जब था, कैलाश जी पहली बार वहां प्रचारक बने और प्रचारक बनकर जब वहां पर गए तो वहां पर रुकने की व्यवस्था नहीं थी, स्टेशन पर सोए थे और वहीं पर स्टेशन पर धोती को सुखाया था और वहीं पर रुककर रिटायरिंग रूम में पार्टी का काम शुरू किया। आजकल तो हम लोग में पूछते मंगल जी रुकने की व्यवस्था कहां है, लेकिन पार्टी बदली है। कैलाश जी ने वैसी मेहनत की, मुझे याद है मैं अगर ये कह दूं तो कोई अतिशोक्ति नहीं है, मैं जो कुछ भी हूं, मैं जहां भी पहुंचा हूं कम उम्र में, उसमें अगर किसी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा योगदान है वो नेता हमारे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्रा जी। 28 साल की उम्र में उन्होंने तय कर लिया कि लोकसभा का चुनाव लड़ाना, बच्चे की तरह ध्यान रखा, चुनाव जीत कर आए तो गले लगाकर आंख से उनके आंसू बह रहे थे, क्योंकि मैंने किशन दिन जीता और कहा 2-3 दिन कहीं मत जाना, किसी
से नहीं मिलना, अब यहीं रहना। मैंने पूछा नहीं क्यों, और कैलाश जी की उस बात को सुनकर ये लगा कि चिंता करने वाला कोई व्यक्ति कैलाश जी की पीढ़ी के वो भी नेता, चाहे डॉक्टर जोशी जी हों, वाजपेयी जी हों, भंडारी जी हों, कुशल ठाकरे जी हों, अडवाणी जी, उन पीढ़ी के नेताओं की पैर की धोन की छींट भी अगर हम सब कार्यकर्ता को मिल जाए तो इस पार्टी का कभी कोई बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने अपने लिए नहीं अपनी पार्टी के लिए जीवन को जिया। आज मैं कह सकता हूं कैलाश जी सब समाज के लिए, कैलाश जी पर दावा सिर्फ भोला बाबू का नहीं, कैलाश जी पर अधिकार जितना भोला बाबू का है उतना शाहनवाज हुसैन का। कैलाश जी जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाले नेता, सबको साथ मोती की माला में पिरोकर चलने वाले नेता का नाम कैलाशपति मिश्र है। बहुत से संस्मरण है, सुद्धा जी ने तो पहले प्रोफेसर साहिब है, उन्होंने मुझे उस सुनाने को कहा, अगर मैं सुनाऊं तो हमारे नेता डॉक्टर जोशी जी से बैठे हों, तो जब मैंने ये सीखा है कि जब अपने बड़े बुजुर्ग बैठे हों, अपने बड़े नेता बैठे हों, तो जितना कम बोला जाए अच्छा है, सुना जाए ज्यादा बेहतर। तो यहां पर आज हम सब सुनने भी आए, बिहार के हर कार्यकर्ता के मन में कैलाश जी बसे। मुझे कैलाश जी के अंतिम क्षणों की बहुत सी यादें मेरे साथ हैं, उनकी पुत्र बंधु यहां पर मौजूद हैं, और वो सब यादें को मैं यहां पर डाइस पर शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे पिता का देहांत कैलाश जी के देहांत से पहले, और उसका दुख था, लेकिन कैलाश जी का जिस दिन देहांत हुआ उस दिन ये लगा सच में मैंने अपना पिता खो दिया। इससे बढ़कर मैं और कुछ श्रद्धांजलि नहीं दे सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि कैलाश जी ने जो सपना देखा है, उन्होंने जो नींव डाली थी, उसी नींव पर हम सब खड़े हैं। उसमें पहली पंक्ति के भी नेता हैं, हम जैसे दूसरी तीसरी पंक्ति के भी नेता हैं, लेकिन हम सब लोग कैलाश जी के बताए हुए रास्ते पर चले, और यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और उम्मीद करता हूं कि कैलाश जी के सपनों का बिहार बने। आप जानते हैं कि मैं भाषण दूं और गिरिराज जी का जिक्र न करूं, ये नहीं हो सकता। जो गिरिराज जी ने कहा गठबंधन की बात, गठबंधन की सरकार तो कैलाश जी ने देखी। हम सब कार्यकर्ता के लिए महाराष्ट्र हरियाणा जीतने के बाद और झारखंड में अगला विजय पताका फहराने के बाद, अगली जब हम यहां पर उनकी पुण्यतिथि मनाए, तो कैलाश जी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपने संपर्क सरकार में, उस दिन बिहार के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उस दिन यहां मंच पर बैठे हो, और तब कैलाश जी को सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। तो आज से उनके बारे में तो बहुत सी चर्चा हो सकती है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेकर कैलाश जी के सपनों का बिहार और कैलाश जी के सपनों की सरकार बिहार में बनानी है, यही प्रण लेकर हम यहां से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।